हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी मास्टर। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को देखने के बाद बहुत ही खुशी महसूस होगी। जो स्टूडेंट्स जॉब की सर्च में है, जॉब ढूंढ रहे हैं या जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका यह है जॉब पाने के लिए। एंड ये जो जॉब वैकेंसी आई है महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, मुंबई मेट्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र का है, जो कि बम्फर वैकेंसी निकाली है। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे जो आया है 1053 वैकेंसीज आई है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी से 1053, जो कि अभी के टाइम के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिन से वैकेंसी आ भी नहीं रही है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है एंड कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आई है। ये जो वैकेंसी आई है, ये बहुत टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, एंड बहुत ऑफिसर से लेके टेक्नीशियन तक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपको बता दें तो क्वालिफिकेशन बीटेक होल्डर से लेकर डिप्लोमा आईटीआई एंड ग्रेजुएशन होल्डर्स भी यहाँ इसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन से हिसाब से एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि जो ऑफिसरियल पोस्ट होते हैं इसमें, तो उसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए आज एक एक के आपको बता देते हैं। जो पहला पोस्ट यहाँ पर दिया रहा है, पहला पोस्ट जो है स्टेशन मैनेजर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उसका पे स्केल कितना है। पे स्केल 9300 से लेकर 34800 तक है, और ग्रेड पे यहाँ पे 4400 बताया गया है। एंड आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा ये देख लेते हैं। एजुकेशनल क्या है, डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एंड इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एंड आपका मैक्सिमम जो एज लिमिट होगा वो कितना रहेगा, 41 ईयर्स। एंड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो रहेगा A2। और यहाँ पे आपका टोटल जो वैकेंसी दी है कितना है, 18 वैकेंसी है, 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज। SC के लिए 3 है, ST 1 एंड जनरल के लिए 4 वैकेंसीज है। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट आपका वैकेंसी रहेगा वो स्टेशन कंट्रोलर। पे स्केल उसका देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 9300 से लेकर 34800 तक है, और ग्रेड पे है 4300 ग्रेड पे है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 है, एंड वो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ये ऑफिसरल कुछ पोस्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जूनियर इंजीनियर का भी वैकेंसी आई है, जिसका पे स्केल कितना है, 9300 से लेकर 34800 ही है, और ग्रेड पे 4300 है। इसका क्वालिफिकेशन वही है, डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इसके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 38 ईयर्स, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A3 मिलता है इसमें। ठीक है दोस्तों, चले देखते हैं कुछ टेक्नीशियन पोस्ट जो कि आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए अवेलेबल होता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसी इसमें आई है वो आईटीआई एंड डिप्लोमा वालों के लिए आई है। क्लियर है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, और आप लोग के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारे अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे मतलब टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे टेक्नीशियन का कुछ बता देते हैं आपको। टेक्नीशियन 1 जो कि आईटीआई वालों के लिए हेल्पफुल रहेगी। टेक्नीशियन 1 का पे स्केल आपको बता देते हैं 5200 से लेकर 20200 है, और उसके ग्रेड पे 2400 है। और अपॉइंटमेंट शल बी मेड बाई सिलेक्शन ऑन द डेपुटेशन फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स हु पासिस द फॉलोइंग। तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसको पास करने के बाद आपको ये जॉब मिल सकती है। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो बता देते हैं, आईटीआई और NCVT, SCVT इन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक,
फिटर, STLT और इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलवे और मेट्रो रेलवे। आपको रेलवे का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मेट्रो रेल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो ही आप एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो रहेगा आपका 40 साल, 40 ईयर्स, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा B1। तो चलिए बता देते हैं आपको इसके मैक्सिमम जो वैकेंसी कितनी है। टेक्निकल वन के लिए 75 वैकेंसी से इसी के हिसाब से इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। क्लियर दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट जो टेक्निकल टू है। टेक्निकल टू के वही पे स्केल वही 5200 से 20200 ही है, ग्रेड पे 1900 रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन ITI NCVT इन इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, फिटर, STLT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसका जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो है 287 नंबर ऑफ वैकेंसी से टेक्निकल टू के लिए। एज लिमिट इसके लिए वही 38 है एंड मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। क्लियर दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो रहेगी सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ये भी आपका ऑफिसर पोस्ट है, इसके लिए आप देख सकते हैं क्या क्या निकला। वही 9300 से 34800, ग्रेड पे 4800 है एंड उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। इसके क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा है। एंड टेक्निकल टेक्नीशियन सिविल 1 का देख लेते हैं वैकेंसी, वो जो कि ITI वालों के लिए ही अवेलेबल है। टेक्नीशियन सिविल 1 उसका पे स्केल भी वही 5200 से लेकर 20200 तक है और ग्रेड पे जो रहेगी ये आपको ज़्यादा मिलता है यहाँ पे 2400 ग्रेड पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी यहाँ पे, ITI NCVT और SCVT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट और मैशनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड। ये सब ट्रेड के लिए आपको 2400 ग्रेड पे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 9 वैकेंसीज ओनली है। एंड आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 होना चाहिए एंड मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज क्या है टेक्नीशियन सिविल 2 का। टेक्नीशियन सिविल 2 में आपका पे स्केल वही रहेगा 5200 से लेकर 20200 एंड ग्रेड पे आपका 1900 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI NCVT SCVT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट और मैशनिस्ट ग्राइंडर। इसके लिए आपका टोटल वैकेंसीज 26 है एंड आपका मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 है। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे वैकेंसीज है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, मैं स्लाइड करके लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे। टेक्नीशियन E&M 1 के लिए, इसके लिए भी आपका पे स्केल रहेगा 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे यहाँ पे, लेकिन आपको 2400 मिलेगा एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसका 5 है, 5 वैकेंसीज ओनली। ठीक है, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इनके लिए, ITI NCVT SCVT इन इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, STLT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट और मैशनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड। ये सब ट्रेड या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 38 एंड मेडिकल स्टैंडर्ड B1। क्लियर, एंड देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज क्या है टेक्नीशियन E&M 2, ग्रेड 2 में। तो इसका भी पे स्केल वही 5200 से लेकर 20200 है, ग्रेड पे 1900 है एंड क्वालिफिकेशन ITI वही ITI इलेक्ट्रिशियन, वायरमेंट, मैकेनिक, STLT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, मैशनिस्ट और मैशनिस्ट ग्राइंडर एक्सेट्रा। एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपका वही 38 रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए 11 वैकेंसी है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दिया कि बहुत सारे वैकेंसीज है तो मैं स्लाइड करते जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज है एंड इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसको डाउनलोड करके क्लियर भी देख सकते हैं। आपका कैटेगरी, आपका
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कुछ नोटिसेस है, नोटिस आपको जानना जरूरी है कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जानना है, एंड उसी के ऊपर आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ मेन जो रूल आपको बता देते हैं कि ये ओनली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं या आउट ऑफ स्टेट के, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के ऊपर सबका क्या ना ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए 7 नंबर में वो डिक्लेयर बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, कैंडिडेट शुड सबमिट SSC एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज दे हैव टू पास मराठी एग्जामिनेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन, नंबर इतना इतना दिया है। तो ये क्लियर कर देते हैं कि आप महाराष्ट्र से हो या अदर स्टेट से हो, कोई भी बंदा इसके अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन आपको बता देते हैं कि अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र को छोड़ कर अगर कोई भी स्टेट से हैं, तो आपको मराठी सीखना पड़ेगा या मराठी में एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर। उसके लिए एक वो नोटिफिकेशन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिए हैं, आप लोगों के लिए लिंक भेजा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसका जो 3रा नंबर पे है वो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को बताया कि अदर स्टेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई घबराए रहने की बात नहीं है इसमें। तो मेन जो जानने की बात है कि जैसे आप लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 साल के जो आपका प्रोबेशन टाइम रहेगा उसी के अंदर आपको मराठी सीखना है, एंड उसी के लिए एक लोअर स्टेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा SSC, उसी में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप लोग उसी टाइम पीरियड के अंदर उसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, मराठी वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा SSC वाला नहीं कर पाते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसी के वजह से आपका इंक्रीमेंट जो रहेगा, इंक्रीमेंट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसी को आपको क्वालिफाई करना है। अगर नहीं कर पाते तो आपने जैसे बताया अभी कि आपका इंक्रीमेंट डाउन हो जाएगा और प्रमोशन वगैरह रुक जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो पहले आप बिंदास अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद तैयारी अच्छे से करना चालू कर दीजिए, और उसी का नोटिफिकेशन अगर आपको जानना है तो उसका आपका नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, उसको डाउनलोड करके उसका जो 3 नंबर पॉइंट है, नोटिफिकेशन का 3 नंबर पॉइंट है, उसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी में क्लियर आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि आपको उसी रूल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, एंड कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग आपको बेस्ट विशेस करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एंड अच्छे स्कोर करके इसको क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के बाद जो रहेगा वो 2 साल का आपके पास टाइम है, आप आराम से सीख सकते हैं, एंड आगे बढ़ने के लिए तो आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि मेरे को सीखना भी है, एंड आप लोग आगे बढ़ भी सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि आपको जानने भी ज़रूरी है, वो आपको बताते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा 16 सितंबर से, 16 सितंबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा, एंड इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो है 7 अक्टूबर 2019, 7 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट है, एंड स्टार्टिंग डेट है 16 सितंबर 2019। एंड इसके लिए कितना फीस है वो भी आपको बताते हैं। फॉर ओपन कैटेगरी मतलब जनरल एंड OBC के लिए जो फीस रहेगा वो है 300 रुपये, जनरल एंड OBC के लिए 300, एंड अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये, 150 जनरल एंड OBC 300, एंड रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड अदर्स के लिए 150 रुपीज़ फीस रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।